कोरबा जिला में बालको संयंत्र के विस्तार पर प्रबंधन मन के द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन बालको अंबेडकर स्टेडियम में संपन्न कराया गई, जेमा भारी मात्रा में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात करे गए रही। जन सुनवाई के दौरान प्रबंधन मन के द्वारा ग्रामीण मल्ला रोक के रखे गए रही। पुलिस हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण मल्ला जाय दिए गई। पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण जन प्रतिनिधि और नेता मन ये सुनवाई लले के जम के विरोध करी। कुछ उन्हें आगे ले आ रहे हैं, मैं बाल को समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। तो जन लोगों को आना चाहिए, और जन में चूंकि हम लोग लॉ से जुड़े लोग हैं तो कुछ और जरूरत होती थी कि बोलें। मैं इनका पावर पॉइंट देखा और इनका जो पावर पॉइंट था लगभग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि मेरे हिसाब से न तो इनको ज़मीन की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना बिजली की ज़रूरत है, तो विस्तार की ज़रूरत है। तो विस्तार की ज़रूरत में जैसा पर्यावरण का जो बात चल रहा है वही मेन मुद्दा है। ये जो जनसुनवाई आयोजित किया गया है, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के लिए इस कानून के अंतर्गत में लाया गया है। जिस क्षेत्र में ये प्लांट आते हैं तो उस क्षेत्र में उस संयंत्र के लगने से, चाहे पावर प्लांट हो, कोल माइंस हो या जो भी हो, तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं एनवायरमेंट पे, इसमें इस सब्जेक्ट पे आपको अपनी भागीदारी निभाने के लिए अपना सरकार ने आपको अधिकार दिया है, इस देश के कानून ने दिया है। तो हस्तक्षेप तक हमने इस प्लांट के लगने से क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पे, उनके एम्प्लॉइज पे, एनवायरमेंट पे, सॉइल पे, एयर पे, वाटर पे, उस सब विषय में हमने अपनी बात रखी है। ये बार है कि पर्यावरण के यहाँ पर इतना बड़ा जन सुनवाई किया गया है। हम लोग यहाँ पर स्थानीय लोग इतने ज़्यादा तादाद में हम पर्यावरण में आवेदन दिए हैं कि नदी हमारा खराब हो रहा है, धूल धक्कड़ से पूरा आज स्थिति ढेंगू नाला का देख लीजिए, चाहे आप राम मंदिर का साइड का जो नदी है उसको देख लीजिए। आज तक कभी पर्यावरण के विषय में कभी किसी ने शिविर नहीं लगाया है, आवेदन को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया है। आज अगर थोड़ी सी बेहवा उड़ती, कल की स्थिति देख लीजिए, थोड़ी सी बेहवा उड़ी तो घरों में जा करके खाना में, कपड़ा में, सभी में राखड़मय हो जा रहा है।